माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मौलाना वकास ज़िया साहब आप अपने खिताब ज़ीशान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अगर आप लोग थोड़ी सी तकलीफ फरमा कर आगे आ जाएं, जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हो जाएं। थोड़े थोड़े प्यारे बच्चों आप भी जज़ाकल्लाहु खैरा, थोड़े थोड़े शिरक कर आप आगे आ जाएं, पीछे आने वाले नए हजरात वो भी महफिल में तशरीफ फरमा हो सकें। मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की शुरू में। अच्छा, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में ये न्यूज़ आई कि आप आज अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, एक ज़ोक की बात। हम लोग जाने के बाद कदर किया करते हैं, हम लोग जाने के बाद कदर किया करते हैं। वो मर्द मुजाहिद जो सारी जिंदगी इश्क मुस्तफ़ा का जाम पिलाने की कोशिश करता रहा, जिनके नसीब में थी, जिनके नसीब में वो जाम पीना था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पिया। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बड़े जोक की बात है, आशिकों के अंदाज निराले हुआ करते हैं। आप फरमाते हैं मेरी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुलाकात हुई तो मैंने उसके हाथ चूम लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहने लगे, मौलाना बड़े बड़े मेरे पास आए, मेरे हाथ किसी ने नहीं चूमे, आपने क्यों चूमे? आशिकों का अंदाज देखिए, आशिकों का अंदाज देखिए, दलीले नहीं लिया करते, दलीले नहीं दिया करते। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाने लगे, मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कहा, डॉक्टर साहब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसने तीर बनाया, जिसने तीर पकड़ाया और जिसने तीर चलाया वो भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा, और जिसने एटम बम बनाकर पाकिस्तान को बचाया उसका क्या मुकाम होगा? जिसने एटम बम बनाकर इस मुल्क के सरजमीन को बचाया उसका हुजूर की बारगाह में क्या पैगाम होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बेहिसाब बख्शीश और मगफरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बराबरी मुजाहिदीन की भी बेहिसाब बख्शीश और मगफरत फरमाए। सामीन एहतिशाम, हमारे एक नन्हे सना खान है, उनको दावत देता हूँ। इसके बाद एक बयान होगा और उसके बाद जो हमारे खसूसी खिताब है उससे आपके क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर होंगे। मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हसन से कि आप तशरीफ लाते हैं और मुख्तसर अंदाज में अपनी हाजिरी पेश फरमाते हैं। बावाज़े बुलंद पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिलके पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अजीब फैज़ है आका तेरी मुहब्बत का, अजीब दरूद तुझ पे पढ़ूं आए खुद सबर जाऊं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या ना
बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो बस रसूलुल्लाह गादी ने हसन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी बस रसूल।